अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। सो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा फीडबैक आए हैं कि मुझे प्लीज़ बता दे स्किन के बारे में, स्किन की जो आप रेमेडी बताती हो वो क्या साइड इफ़ेक्ट हैं या इसका कोई इफेक्ट तो नहीं है ना। तो इसके लिए हवाले में आपके बात करूँगी कि जो नाइट क्रीम है जो आपको अभी शो हो रही है ये बेस्ट है, ये आप यूज़ कर सकते हो। जो दूसरे प्रोडक्ट जो बाहर वाले मार्केट वाले हैं ज़्यादा यूज़ नहीं करने, आपको यूज़ करें तो वीक में जो दो दफ़ा ये नाइट क्रीम कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हो, इट्स ओके, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप फ्रेश चीज़ लगाना चाहते हैं कि वो है बीट रूट्स का, आप जूस पिया करें, उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, इतनी एवरी थिंग ख़त्म हो जाएगी, आपकी चीक बहुत रेड हो जाएंगे। तो अभी ये मैं मैगी बनाने वाली हूँ, इसकी वेल मैंने फर्स्ट टाइम ये यूज़ कर रही हूँ, वेल मैं दूसरी खाती हूँ तो इसका मैं रिव्यू दूँगी कि इसकी कैसी ज़्यादा स्पाइसी है या नहीं है। वेल इसका टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था सच्ची में। तो बस मैं क्या करने वाली हूँ कि अभी इन्हें पानी ऑलरेडी रख दिया था बॉईल होने के लिए, और मैं इसका देख रही थी कि इसमें क्या क्या लिखे हुए हैं, कितने स्पाइसी है या नहीं है। तो इसमें जस्ट 2 पैकेट थे अंदर जो होते हैं ठीक है नॉर्मली, और मैं इसके देख रही थी एक्सपायर डेट ये वगैरह। वेल ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी थी और ज़्यादा स्पाइसी भी थी, जो मिर्च ज़्यादा कम ही खाते हैं हमारी तरह वो ये यूज़ ना करें। पर लगता है मेरी और शापर की जंग हो गई क्योंकि ये खुल नहीं रही थी और मैं इसको ज़बरदस्ती खोले जा रही थी। वेल जस्ट किडिंग, तो ये मैं दिखा रही हूँ कि इसमें जस्ट 2 पैकेट है ठीक है ना। तो ये मैं अभी वाटर में डाल दूँगी, और ये बहुत ज़्यादा मोटे थे, जो नॉर्मल जो 30 रुपये पे आती है मैगी उस पर बहुत पतली पतली सी होती है, तो ये बेस्ट थी, मुझे अच्छी लगी। एंड ये ज़्यादा खट्टी वट्टी भी थी, बहुत ज़्यादा यमी भी थी। तो बस मैं इसमें सारी ऐड कर दूँगी और इसको रख दूँगी अभी जितने हल्की सी ना ये गल जाए बस, तो मैं इसको अब छोड़ दूंगी। तो लेट्स सी, हम अब चलते हैं, अब जिससे वेट करते हैं कि ये पकने के लिए हम रख देते हैं, देन उसके बाद हम इसको आते देखते हैं कि पक्की है कि नहीं। नहीं माशाल्लाह से ये पक गई थी, तो मैंने इसमें पूरा मसाला डाल के अब मैं इसको अच्छी तरह से मैंने इसमें पूरा मसाला डाला, अगर आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी होती है, वाकई में ये स्पाइसी थी ज़्यादा ठीक है ना। तो बस मैं इसको ना अभी जिसमें सूप है ना, मुझे ये सूप अच्छा लगता है रखना, इसमें कोई बिल्कुल सूप के बगैर ही खाते हैं, कोई सूप के लिए खाते हैं। तो बस मैं अब क्या करने वाली हूँ कि बस इसमें थोड़ी सी सूप छोड़ दूँगी, उसके बाद अब ये मैं निकालने वाली हूँ। वेल ये पक गई थी माशाल्लाह से, बहुत यमी दिख रही थी, तो लेट्स सी, इसको कर देते हैं अच्छी तरह से बंद, और अभी हम इसको निकालने वाले हैं। तो हम अब इसके लिए बॉल निकालेंगे, इधर हमने बस निकाल ली थी, और अभी हम इसको टेस्ट करने वाले हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। दिखने में तो बहुत ज़्यादा यमी लग रही थी ट्रस्ट में, तो बस नाउ अभी हम इसको, ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको हल्का सा ठंडा करेंगे, और मैं इसका आपको रिव्यू दूंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। वेल मेरी तरफ से तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट यार ये स्पाइसी ज़्यादा है, जिसको स्पाइसी कम ही पसंद है तो फिर आप उसको मसाले को कम कर सकते हैं ठीक है ना। तो वेल अभी मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ, और इसका टेस्ट मुझे यम 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 लगा, बस बहुत यमी था। तो यह अभी मैं लेके जा रही हूँ अंदर, अंदर खाऊंगी आराम से बैठ के। और ये जो मैंने बाउल लिया है ये इंदूमी लिखा हुआ है, ये अरबी लफ्ज है, इंदूमी मैगी को कहते हैं, सही है। तो अभी हम चलते हैं और इसको उठाते हैं। इनके साथ हमने बहुत सारी चीज़ें भी साथ में खाई थी जिसका मैंने व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाई, तो मैंने इसलिए क्लिप डाल दी। और ये रात का टाइम है, रात के 2 का टाइम है, मुझे बहुत शदीद वाली भूख लगी थी, और मैं क्या किया ऑर्डर करके पिज़्ज़ा सो गई, मुझे शदीद वाली नींद आ रही थी सच्ची में, और मुझे भूख भी लगी थी तो मैं भूल गई मैंने ऑर्डर भी किया, तो मैं सो गई 2 बजे तक। भाई वो जो जिससे मंगाया था हमने 2 बजे तक वो डोर पर खड़ा ही था, वेल उसने ना कॉल की कि आपकी पिज़्ज़ा आ गया है, शायद जो उनको क्या पता है, आई डोंट नो क्या मसला था। तो बस मैंने फिर जाके ना ऐसे ही सिस्टर आ गई, तो उसके बाद हमें वो दरवाज़ा का खड़का हुआ, तो हमने कहा तो उसके अपनी पार्स चीज़ मंगाई, तो हमने कहा या मुझे फिर याद आया। तो बस यहाँ पे हम घूमने गए थे, उसके बाद ये कल का व्लॉग गए, हम यहाँ रिलेटिव के यहाँ घूमने गए थे, और मैं टी आर नो आपको पता है कि मैं नहीं पीती, और यहाँ पर मैंने पी नहीं, बस मैंने बिस्कुट इसमें बस थोड़ा डिप किया, देन उसके बाद मैंने हाफ टी पी, और ये मेरे साथ सबा जी बैठी है। तो बस यहाँ पे हम और ये अम्मी की कुछ रिलेटिव हैं, मेरे भी रिलेटिव हैं, तो हम यहाँ इन लोगों के यहाँ दोपहर के टाइम घूमने आए थे। तो ज़्यादा ब्लॉग तो मैं रूट नहीं कर पाई। वेल तो ये मेरा कॉस्ट्यूम है, आई होप आपको कैसा लगा, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, आई लव येलो कलर, तो बस ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वाइट में येलो। तो कॉस्ट्यूम कैसा था ज़रूर बताना। लेट सी, अब हम दूसरे घर जाएँगे, वो भी साथ में बाजू में ही घर रहे, क्योंकि वो ना अम्मी की कज़न है, तो हम उसको पूछने जाएंगे, उसकी भी तबीयत ख़राब थी तो इसकी वजह से। तो ये वही घर है जहाँ पे अभी शादी, न्यू शादी हुई थी, तो उनके घर भी हम चले गए थे घूमने, देन उसके बाद हम अभी घर आ गए थे, ये बस साथ ही अभी हुए थे।
तो बस मैं अभी अभी पहुंचे हैं, तो हम रुके उतारने वाले थे, और ये मेरी बड़ी वाली पुफो भी इधर आई हुई थी हमारे यहाँ, तो बस और ये सब और ये हम, और अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि किधर हम जाते हैं ना घूमने के लिए तो वेल इंसान नॉर्मली थक ही जाता ही है, ये तो हर मीन्स फीलिंग होती है घूम के, जब घूमने जाते हैं तो नॉर्मल होता है, जब वापसी आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंसान टायर्ड हो जाते हैं, ट्रस्ट मी यार। तो बस मेरी बेली ने मुझे देखा कि मैं इधर आ गई हूँ, ये मेरे से चिपक गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा काट रही थी, शायद इसकी वजह से कि मैं इसको क्यों नहीं लेके गई, आई डोंट नो वाई। तो ये बहुत शैतान हो गई बेली, बहुत ज़्यादा शैतान हो गई। उसके बाद ये बाबी ने कुछ डिज़र्ट बनाया था, खीरनी होती है ठीक है, मिक्स खीर होती है ना वही थी, और ये मैं अभी आपके सामने टेस्ट करने वाली हूँ कि कैसी है। माशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी था, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई सच्ची में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके ये वीडियो अपलोड करती हूँ आपके सामने कि आप मेरे वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं, और मुझे फीडबैक में लाजमी बताना कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। सो आई होप मैं ऐसे हर रोज़ न्यू 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 आपको एक्टिविटीज़ दिखाती रहूँगी। सो चैनल को ज़रूर शेयर करना नहीं भूलना। और जो आपको रेमेडी की तरफ से हिसाब से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको हर रोज़ एक चीज़ न्यू न्यू रिकमेंड करूँगी। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।